देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। लता मंगेशकर के गाने एक प्यार का नगमा ने रानू मंडल की किस्मत रातों रात बदल दी। रानू मंडल मौजूदा समय में इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं। रानू का नाम हर जगह छाया हुआ है। आज रानू देश भर में फेमस हैं। हर कोई रानू की सुरीली आवाज और सिंगिंग का कायल हो चुका है। कोलकाता के स्टेशन पर गाने वाली रानू की जिंदगी आज पूरी तरह बदल चुकी है। रानू की जिंदगी से इंस्पायर फिल्म मेकर ऋषिकेश मंडल उनके जीवन पर अब बायोपिक फिल्म बनाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। रानू की बायोपिक फिल्म के लिए साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस सुदीप्ता चक्रवर्ती को अप्रोच किया गया है। इस बात को कंफर्म करते हुए सुदीप्ता चक्रवर्ती ने कहा, मुझे फिल्म ऑफर हुई है, हालांकि अभी मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट मिलनी बाकी है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही मैं तय करूंगी कि मुझे ये फिल्म करनी है या नहीं। जर्नलिस्ट से डायरेक्टर बने ऋषिकेश मंडल रानू की जिंदगी पर बेस बायोपिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म में रानू की रेलवे स्टेशन से बॉलीवुड में कदम रखने तक की जर्नी को दिखाया जाएगा। फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मंडल ने कहा, सुदीप्ता चक्रवर्ती को फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है कि अगर इस कैरेक्टर को बेहतर तरीके से कोई दर्शा सकता है तो वो सुदीप्ता ही है। रानू मंडल ने बहुत तंगी में जिंदगी गुजारी है, लेकिन उनके हुनर ने आज उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया है। रानू मंडल देश की कई महिलाओं के लिए अब एक मिसाल बन गई है, जिस वजह से रानू मंडल की इंस्पायरिंग जर्नी को ऋषिकेश पर्दे पर उतारना चाहते हैं। लगता है कि रानू मंडल के जीवन पर फिल्म बनाने का ये सही समय है, क्योंकि लोग उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। ऋषिकेश ने कहा, रानू मंडल की जिंदगी के बारे में जानने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। सोशल मीडिया ने उन्हें रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बना दिया। फिल्म में सोशल मीडिया की पावर को भी दिखाया जाएगा, जिसने सड़क पर गाने वाली महिला को स्टार बना दिया। ऋषिकेश ने अपने इंटरव्यू में रानू से मिलने के अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। ऋषिकेश ने कहा, रानू मंडल से बात करने के बाद मुझे ये लगा कि वो एक पढ़ी लिखी फैमिली से आती हैं। उन्हें म्यूजिक से प्यार है और वो अपने बचपन के दिनों से गाना गा रही हैं। वो सिंपल और स्वीट होने के साथ ही इमोशनल भी हैं। फिल्म के मेकर्स ने रानू को फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए भी अप्रोच किया है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। फिल्म के बारे में बात करते हुए ऋषिकेश ने कहा, अगर सुदीप्ता फिल्म के लिए तैयार हो जाती है तो फिल्म की बाकी की कास्ट भी जल्दी फाइनल हो जाएगी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के आखिर में शुरू हो सकती है। बता दें, रानू की बायोपिक फिल्म का कुछ हिस्सा रानू के होम टाउन में भी शूट होगा, जबकि कुछ मुंबई में। फिल्म को सुभोजित मंडल प्रोड्यूस करेंगे। ये फिल्म अगले साल फरवरी में रिलीज हो सकती है। वहीं रानू मंडल की बात करें तो वो इन दिनों म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के साथ काम कर रही हैं। रानू हिमेश की फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर के 3 गाने गा चुकी हैं। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।